अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डे वी विल डू द न्यूमेरिकल नंबर 9 एंड 10 एंड इट इज न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल नंबर 9 की स्टेटमेंट है अ सैंपल गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 35 डेसीमीटर क्यूब एट 17 डिग्री सेल्सियस। इफ द गैस टेम्परेचर राइजेज टू 34 वुड यू एक्सपेक्ट द वॉल्यूम टू डबल, इफ नॉट कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम। आपने क्या करना है, आपके पास जो है वो टेम्परेचर उन्होंने आपको दो दिया हुआ, वॉल्यूम एक दिया हुआ, आपने V2 फाइंड आउट करना है। T1 देखिए आपके पास कितना है, 17 डिग्री सेल्सियस, तो इसको पहले आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 17 प्लस 273 तो ये हो जाएगा 290 केल्विन। उसके बाद ये जो आपका T2 है, T2 में आप क्या करेंगे, T2 आपका है 34, जो आपका सेकेंड टेम्परेचर है वो है 34 डिग्री सेल्सियस। आप 34 में 273 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 307 केल्विन। V1 जो है ये 35.0 डेसीमीटर क्यूब है, ये 35 ही हम इसको लिखेंगे, 0.0 को हम छोड़ देंगे। आइए जो V2 है आपका वो आपने फाइंड आउट करना। का न्यूमेरिकल है ये भी 40 लाख के अकॉर्डिंग ही होगा, इसलिए हम 40 लाख की जो फाइनल इक्वेशन है वो यहाँ पर लिखेंगे, V1 over T1 इज इक्वल टू V2 over T2। अब हमने V2 फाइंड आउट करना है तो हम इसको रीअरेंज कर लेंगे, ये V1 by T1 एज इट इज आ जाएगा, और ये जो T2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है जब हम इसके साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। फिर हम इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, ये 35 V1 की वैल्यू, 307 केल्विन T2 की, और 290 T1 की वैल्यू। केल्विन और केल्विन दोनों क्रॉस हो जाएंगे और फिर जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 37, और उसके साथ यूनिट क्या आएगा, डेसीमीटर क्यूब। इसका यूनिट डेसीमीटर क्यूब क्यों आएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम है इसलिए वॉल्यूम को हम हमेशा डेसीमीटर में ही लिखते हैं। अगला जो आपका लास्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 10, वो है द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न इज टाइटन। ये जो सैटर्न एक प्लैनेट है उसका जो लार्जेस्ट मून है उसका नाम है टाइटन। इट हैज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10^5 पास्कल। वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है, 1.6 पास्कल। आपने जो है वो ATM में ये वाला जो टेम्परेचर है उसको आपने ATM में मेजर करना है, एक तो ये करना है आपने, और दूसरा आपने ये बताना है कि ये जो टेम्परेचर है वो अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है या नहीं है। तो इसमें आपने वो जो हमने पहले कन्वर्जन वाले फॉर्मूलाज किए हुए हैं आपने जो है वो पास्कल को ATM में कन्वर्ट करना है। आपका न्यूमेरिकल नंबर 10, न्यूमेरिकल नंबर 10 में डेल्टा में हमने लिखा प्रेशर, प्रेशर जो है वो कितना है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10^5 पास्कल। उसके बाद आपने किस में फाइंड आउट करना है, इसको प्रेशर को ATM में। आगे सॉल्यूशन में आप लिखेंगे एक ATM किस कितने पास्कल की इक्वल है, 1 ATM इज इक्वल टू 10^13^25 पास्कल। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10^5 इसको आप डिवाइड कर देंगे 10^13^25 पे, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.57 ATM। तो आपका ये जो है ये आपका आंसर आ गया, आपका ये वाला जो प्रेशर था ये ATM में कन्वर्ट हो गया, तो इसका आंसर आया 1.57 ATM। तो जो अब उन्होंने एक जो क्वेश्चन था वो आपने सॉल्व कर लिया, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन ATM, ATM में कितना आया, 1.57। दूसरा है इज इट हायर देन अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर ATM में हम अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखें तो वो होता है 1 ATM, ठीक है। तो ये कितना है, 1.57, तो फिर आप लिखेंगे यस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ टाइटन इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ अर्थ। दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं, आप लिखेंगे यस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ टाइटन इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ अर्थ। अब ये आपके इस चैप्टर के पूरे जो 10 न्यूमेरिकल्स हैं ये हो चुके हैं, आप इन पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ये कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए, बॉयज़ लॉ का फार्मूला, उसके बाद आपको चार्ल्स लॉ का जो फाइनल इक्वेशन है वो, और ये जो कन्वर्जेंस हैं कि आप अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, या फिर ATM को, उसके फर्दर जो यूनिट्स हैं उसमें कैसे, इनके फार्मूलाज जो हैं ये आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं, और इनकी आपने ही वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके पूरे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपने इनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और ये सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं ये आपने अपने नीड रजिस्टर पर नोट करने हैं, ये न्यूमेरिकल्स जो हैं ये आपके पास नोट होने चाहिए, ये मैं बाद में आपके न्यूमेरिकल्स चेक करूंगी।